आप सभी को हेलो प्यार भरा जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। शेरवर वर सिर हिलाए सबको, शेरवर वर सिर से हिलने लेकिन प्रकाशी जीव पाऊंगी। भाव से कह दो जय माता दी। ऐसे ना है गांव गांव भैया योगेश भैया राम राम सा राम राम जी भाषा ना पसंद है राम राम अच्छा राम राम आइए कहते हैं कि तेरी भावना में भावना तो भावना बेकार है और अगर भावना में भाव है तो भवसे बेड़ा पार है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है और ये दिल अगर साफ है तो यही मथुरा काशी है राधे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तो वैसे आपका बच्चा हूँ, इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ सुना सकूं, क्योंकि 6-7 दिन लगातार हो गए कार्यक्रम चलते चलते और अभी 2-4 कार्यक्रम और भी है। लेकिन ये तो कृपा माँ की कैसा आशीर्वाद देती है, कैसी कृपा होती है। और सबसे पहले कलाकार के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है, कलाकार के लिए सबसे बड़ी ताकत क्या है? अगर बात अच्छी लगती रहे तो आप लोग समय समय पर तालियों का प्यार हमें बल देते रहेंगे, ये सबसे बड़ी ताकत है और कुछ नहीं चाहिए। आइए अपने नंबर की शुरुआत। भैया बुराई कोई मत मानना, क्योंकि क्षेत्र आपका जैसी फरमाइश चारा से पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मेरा काम मैं आपके नए क्षेत्र गांव नगला पत्ता में 3 कथा भी कह चुका हूँ, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् राम कथा। तो
हमारा सही रस्सियों का क्षेत्र है। वैसे गलत बात कुछ नहीं होगी, लेकिन आनंद आता रहे तो आनंद जरूर ले जाना। योगेश भैया ने भी मुझसे कहा था कि शास्त्री हमारा क्षेत्र फिल्मी दुनिया का बड़ा शौकीन है, कुछ भी सुनाओ तो फिल्मी दुनिया की ट्यून पहले बता दो, उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ होगा, तो आइए मैं कोशिश करने की कोशिश करूंगा। आइए कोशिश कर रहा हूँ आपके क्षेत्र से जाके। कैला देवी, कैला देवी पूछती है आपके क्षेत्र में। अच्छा कौन कौन गए राजू करना भैया, मैं ना सर तुम्हें जयकारा लगवाऊंगा और गाने वाले को बोलते वक्ता, क्या बोलते वक्ता, मैं तुम्हें यहाँ क्या क्या, लेकिन मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ तुम भूल जाओगे तुम क्या कह रहे हो, अगर भाव होगा तुम्हारे अंदर तो भाव से कह दो कैला देवी की, कैला देवी की, श्री देवी की, श्री देवी की। भैया मर गए, कोई बात नहीं, मैं हीरोइनी की बात नहीं कर रहा हूँ, श्री मीन्स होता है लक्ष्मी, में लक्ष्मी देवी का जयकारा लगा रहा हूँ। आई चंद लाइनों में वंदना, क्योंकि जिस माने बुद्धि विवेक भी आदि बीच में बोलने के काबिल बनाया, वंदना वैसे वंदना, वंदना का नाम ही है बंद ना, लेकिन चंद लाइनों में समय को देखते हुए चंद शब्दों से माँ की वंदना, और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत कि माँ शारदे तुमको सत सत नमन, माँ शारदे तुमको सत सत नमन, चरणों में अर्पित है, चरणों में अर्पित है श्रद्धा सुख, और माँ शारदे तुझको सत सत नमन, कहा
और देखिए आगे चल करके आए हुए कुछ रथी गुरु सिंह भैया तान घड़ी से प्रधान जी और चौहान साहब रिंकू पंडित जी एवं जो भी अन्य साथी आए हुए हैं वो दरबार में आने का कष्ट करें और योगेश भैया जी का सम्मान करेंगे। सच्चे दरबार की शारदे मैया की और माँ शारदे आइए आइए। हाँ साहब।